अखिल भारतीय आदिवासी सभा एवं किसान सभा के द्वारा स्थानीय हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार के द्वारा किसानों को ऋण माफी तो दी जा रही है, लेकिन वे सुनिश्चित करें कि काम सही ढंग से हो, कागजों में बनकर ना रह जाए, वहीं कोई फर्जीवाड़ा भी ना हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदिवासियों के खिलाफ दिए गए एक फैसले में जिसमें कहा गया है कि आदिवासियों के जंगल की जमीन पर कोई अधिकार नहीं होगा, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि एक अध्यादेश लाकर आदिवासियों को उनका हक दिलाया जाए। हमारी सेना ने अपनी शौर्य का जो परिचय दिया है, उससे भारत की प्रत्येक नागरिक का जोड़ा छूना हो गया है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आज ये एक तो जो किसानों का लेकर के तमाम जो मांगे हैं, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो या जो ऋण में जो घोटाले चल रहे हैं, कागजी कार्रवाई के रूप में जिसको बनाया जा रहा है, उनको सरलता पूर्वक तरीके से सभी लोगों के ऋण माफ किए जाए। दूसरा, आदिवासियों के जितने भी मुद्दे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है जिससे जल जंगल जमीन से उन लोगों के अधिकारों से उन्हें वंचित किए जाने का जो आदेश है, हम उसके खिलाफ में केंद्र सरकार से ये चाहते हैं कि वो अच्छे से मजबूत पक्ष रख करके एक अध्यादेश लेके आए, ताकि मजदूर, किसान और आदिवासियों के हक्का और जंगल जमीन इन सभी लोग चीजों पर उनका अधिकार यथावत बना रहा है। इसी को लेकर के आज हमने यहाँ प्रदर्शन रखा है और आज अभी जो त्वरित आज रात में जो कार्रवाई हुई है, हमारे देश के सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकवाद पर जो हमला किया, उसके उस समर्थन में उस उल्लास के साथ हम सब लोग उनको बधाई देते हैं कि इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब अगर देते रहे तो निश्चित रूप से कोई भी आतंकवादी हमारे देश के ऊपर, हमारी जनता के ऊपर आंख उठा करके नहीं देखेगा।